आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दो दिवसीय दौरे पर अपनी कर्मस्थली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कुशीनगर भी जा सकते हैं सीएम। यूपी में शांतिपूर्वक खत्म हुई जुमे की नमाज। कई जगह बांटे गए फूल। प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच रही शांति। सकुशल नमाज के बाद इंटरनेट सेवाएं शुरू। लखनऊ हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता से नहीं हो रही है वसूली। संपत्ति कुर्की के नोटिस से चार बड़े नाम गायब। पहले बनी लिस्ट में थे 46 नाम, अब चार नाम हटाकर सिर्फ 42 लोगों को भेजा गया नोटिस। झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी प्रियंका। कांग्रेस के समर्थक से सरकार बनाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। अयोध्या में राम मनोहर लाल अवध यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा। बिना पेपर दिए एमएससी के छात्र फर्स्ट डिवीजन पास। आरटीआई से फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। किताबों के टेंडर में विवादित फर्म को ब्लैकलिस्ट न करने पर एक्शन। शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। टेंडर पर जांच तक रोक। यूपी में आज सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपालों की हड़ताल। ग्रेड पे समेत आठ मांगों को लेकर हड़ताल। कई जिलों में डीएम ने की कार्रवाई। अयोध्या में बड़ी धारा 144 की तारीख। अब 25 फरवरी 2020 तक धारा 144 लागू। बिना इजाजत कार्यक्रमों पर रोक। केदारनाथ धाम में हर तरफ बर्फी बर्फ। बिजली और संचार व्यवस्था ठप। मजदूरों के साथ पुलिसकर्मी भी लौटे वापस। उत्तराखंड में न्यू ईयर को लेकर अलर्ट। प्रशासन पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई सुरक्षा। पर्यटक स्थल पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए। हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।